जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी दादा के सिंहासन पर
उन्हें अपना सिंहासन नहीं। उन्हें अपना सिंहासन नहीं। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? उदाहरण खुश करेंगे, मलाई मस्ती में रहेंगे। जिनको ये नशा है ईश्वरी संतान की स्मृति है, उनकी निशानी क्या होगी? बताओ, मन है उत्तम है, देख देख के मत बोल रहा हूँ मुझे को। देखो बाबा कैसे उत्तर है, उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ईश्वरीय संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा ने आकाश सिंहासन छोड़कर अब दादा के तन को अपना सिंहासन बनाया। वह छोड़कर यहाँ आकर बैठे। किसके तन में आके बैठे? दादा के। यह आकाश तत्व तो है जीव आत्माओं का सिंहासन। आत्माओं का सिंहासन है, आत्माओं का सिंहासन है, आत्माओं का सिंहासन है महातत्व। जहाँ तुम आत्माएं बिगड़ शरीर रहती थी, तो हमारा हम आत्माओं का सिंहासन वहां है, जीव आत्माओं का सिंहासन धरती पे, और आत्माओं का सिंहासन परम धाम। जैसे आकाश में सितारे खड़े हैं ना, वैसे तुम आत्माएं भी बहुत छोटी छोटी वहां रहती है। आत्मा को दीर्घ दृष्टि बिगड़ देखा नहीं जा सकता। तुम बच्चों को अभी यह ज्ञान है, जैसे स्टार इतना छोटा है वैसे आत्माएं भी बिंदी मिसल है। अब बाप ने सिंहासन को छोड़ दिया है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं भी सिंहासन छोड़कर यहाँ इस शरीर को अपना सिंहासन बना थी। मुझे भी तो जरूर शरीर चाहिए। बाबा को भी शरीर को चाहिए बोलने के लिए। तो बाबा कहते हैं मुझे भी तो शरीर चाहिए, मुझे बुलाते ही हैं पुरानी दुनिया में। गीत है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। तुम आत्माएं जहाँ रहती हो वह है तुम आत्माओं और बाबा का देश।
फिर तुम स्वर्ग में जाते हो जिसकी बाबा स्थापना करते कराते। बाबा खुद उस स्वर्ग में नहीं आते, बाबा स्थापना कराने वाला खुद तो वाणी से परे वानप्रस्थ में जाकर रहते। स्वर्ग में उनकी दरकार ही नहीं है। किसकी? शिव बाबा की। क्यों दरकार नहीं बाबा की? वहां सुखी है, वहां पे सभी देखो सब जवाब दे। और सब क्या है? संपन्न है वहां पे। और क्या है? सब पवित्र है। वहां बुलाते भी नहीं है बाबा को, बाबा तो है ना, और वहां बुलाने की जरूरत भी नहीं। सुखी है तो वह तो दुख सुख से न्यारे है ना। तुम तो सुख में आते हो तो दुख में भी आते हो। देखो सब क्लास में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है 10 लोग ये लोग बैठे, 10-12 हम लोग बैठे हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार और कुमारियां बहन भाई हैं। एक दो में कुदृष्टि का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। यहाँ तो तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, आपस में बहन भाई हो। पवित्र रहने की युक्ति देखो कैसी है। सबके लिए कैसी दृष्टि रखो? बहन भाई की दृष्टि। बाबा कई बार कहते हैं और सूक्ष्म ले जाओ, बहन भाई से भी आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो बाबा कहते हैं ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं लिखी गई कि सब एक दूसरे को भाई बहन समझो। सभी का बाबा एक है तो सभी बच्चे हो गए ना। बच्चों को आपस में लड़ना झगड़ना कभी भी नहीं चाहिए। इस समय तुम जानते हो हम ईश्वरी संतान हैं। पहले पहले क्या थे? अभी ईश्वरी संतान है। पहले क्या थे? आसुरी संतान। फिर अब नहीं, तो आगे आगे देवी संतान और पहले आसुरी संतान। फिर अब संगम पर ईश्वरी संतान बने, फिर सत्युग में दैवी संतान होंगे। ये चक्र का बच्चों को मालूम पड़ा है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो, फिर कभी कुदृष्टि जाएगी नहीं। सत्युग में कुदृष्टि होती नहीं है, कुदृष्टि रावण राज्य में होती है। तुम बच्चों को सिवाय एक बाप के और कोई की याद नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए सारी मेहनत किसकी याद रहे हमको? केवल बाबा की याद। अच्छा, और की याद क्यों आती है? सोचो, चिंतन में रहो। क्यों याद करते हैं किसी को? ये तो क्या प्राप्ति होती है? मनुष्य से कोई प्राप्ति है मन में? लेकिन अभी तक धारणा बनी हुई है आधा तक थी कि मनुष्यों से ही प्राप्ति है। पिता से प्रॉपर्टी मिलती आई, माँ से पालना मिलती आई, भाई बहन के साथ भी मनोरंजन करते आए, अलग अलग संबंधों में अलग अलग अल्पकाल की प्राप्ति। वो अल्पकाल की प्राप्ति के सुख का आत्मा में क्या पड़ा हुआ? संस्कार। हाँ, देहधारियों के संग में ज्यादा है तो बुद्धि किसकी तरफ जाती है? देहधारियों की तरफ। अभी उसको पक्का कराना पड़ेगा। अविनाशी प्राप्ति किसके हैं? बाबा। तो बाबा कहते हैं अब तो किसकी याद रहनी चाहिए? केवल बाप की याद रहनी चाहिए। सबसे जास्ती एक बाप से लव हो जाए। किससे प्यार हो जाए? एक बाप से प्यार हो जाए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाप कहते बच्चे बच्चे अभी तुमको शिवालय में चलना है। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, आधा तक रावण राज्य चला है जिससे दुर्गति को पाया है। रावण क्या है, उसको जलाते क्यों हैं, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी नहीं जानते। जैसे देवियों को सजा करके पूजा करके डुबोते हैं, शिव बाबा का भी मिट्टी का लिंग बनाए पूजा आदि कर फिर मिट्टी मिट्टी में मिला देते, वैसे रावण को भी बनाकर फिर जलाते। रावण तो जलाते हैं, देवियों की मूर्तियों को शिव बाबा की मूर्तियों की मिट्टी से बना के पानी में डुबाते हैं और रावण को जलाते हैं। पानी में क्यों डालते? सागर है ना, शिव बाबा क्या है? सागर है। तो सागर मानो पानी का सागर समझ लेते हैं। तो हम लोगों को किस में समाना है? सागर में समाना है ना।
तो वो क्या करते हैं, ले जाके मिट्टी की मूर्ति को पानी डालते, ठंडा कर दो इनको, ठंडा कर दो, मतलब अभी दिमाग ठंडा कब होगा पूरा हम लोग, जब बाबा के सागर में समाएंगे तभी तो पूरे ठंडे होंगे ना, आत्मा के सारे विकार ठंडे पड़ जाएंगे, सूक्ष्म भी नहीं रहेंगे। तो सागर में ही डूबना है, निकलना नहीं, इसलिए डुबा देते हैं मूर्तियों को भी, डुबा देते हैं शिव बाबा को भी, डुबा देते, शिव बाबा तो है ही सागर है। वैसे रावण को बनाकर फिर जला देते हैं, रावण को जलाना क्यों है, क्योंकि उसका नामो निशान मिटाना है। समझते कुछ भी नहीं, कहते भी अभी रावण राज्य है, राम राज्य स्थापन होना है, गांधी भी राम राज्य चाहते थे, तो इसका मतलब रावण राज्य है ना। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम पिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर फिर से उन पर ज्ञान प्रसार करते, सबका कल्याण करते। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है ना, तुम्हारे पर भी बाबा कहते जैसे सूखी जमीन पर बारिश होने से घास निकल आता है, ऐसे तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा होने से, कितने बाबा कहते ज्ञान की वर्षा न होने से कितने कंगाल बन गए थे, अभी फिर ज्ञान वर्षा होती है जिससे तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। भल तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, परंतु अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। जैसे कोई गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई से बैरिस्टर आदि बन जाते हैं, वो भी बड़ों बड़ों के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं। गिलनी की बात भी शास्त्रों में है ना, कि गिलनी के जूते पैर भी भगवान ने खाए, गिलनी के घर भी गए, ऐसा कहते। अब बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर सबसे जाती शुरू से लेकर। तो हमने भक्ति की है ना, सबसे ज्यादा भक्ति किसने की, हमने की। फिर हमको ही बाबा स्वर्ग में पहले पहले भेज देते, यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात। बरोबर हम ही सो पूछते थे, फिर सो पुजारी बनते नीचे उतरते जाते। बच्चों को सारा ज्ञान समझाया जाता है, इस समय ये सारी दुनिया नास्तिक, बाप तो नहीं जानती, नेती नेती कह देते। आगे चलकर ये सन्यासी आदि सब आकर आस्तिक जरूर बनेंगे, वो भी बाबा को पहचानेंगे जरूर। कोई एक सन्यासी आ जाए तो भी उन पर सभी विश्वास थोड़ी करेंगे, कहेंगे इनको ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया है ना, अगर एक सन्यासी भी अगर ब्रह्मा कुमार बन जाए कहेंगे इन पर बी के लिए जादू लगाया है। उनके चेले को गद्दी पे बिठाए उनको उड़ा देंगे, जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ जाएगा साधु सन्यासी उसको गद्दी से हटा के दूसरे को अपने चेले को गद्दी पे बैठा देंगे। ऐसे बहुत सन्यासी तुम्हारे पास आए हैं फिर गुम हो जाते, यह है बड़ा वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम बच्चे आदि से लेकर अंत तक सब जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार धारणा कर सकते हो। बाप के पास सारा ज्ञान तुम्हारे पास भी होना चाहिए, जैसे बाबा के पास पूरा ज्ञान है बाबा कहते हैं तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर्स खुलते रहते, बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, हमारे भाई भी हम बाबा से वर्षा पाए। बाप कहते अपने ऊपर भी रहम दिल, अपने ऊपर रहम कैसे करो, पुरुषार्थ करना, अपने ऊपर रहम करना मना अपना पुरुषार्थ अच्छा करना, अपना परिवर्तन फास्ट करना, जो कमजोरी उसको जल्दी से जल्दी जितना हो अपने आप को चेंज कर सके, संस्कारों का पूरा सत्वगुण तक ले आना, ये है अपने ऊपर रहम करना। तो बाबा कहते अपने ऊपर रहम करना है कैसे, वह भी तुमको समझाते रहते, मुरली में समाज समझाती बाबा कहते समझाते रहते कि क्या हमको अपने अंदर चेंज करना, क्या रहम करना। बाप को याद कर पति से पावन बनना, उसमें भी मुख्य है बाबा की याद, फिर कभी पति बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। बाबा कहते दृष्टि बड़ी अच्छी चाहिए, ब्राह्मणों की दृष्टि कैसी चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं तो हम लोगों की दृष्टि कैसी चाहिए, बड़ी अच्छी चाहिए। हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं, ईश्वर ने हमको एडॉप्ट किया है ना, अब मनुष्य से देवता बनना है।
पहले सूक्ष्म तन्मासी फरिश्ता बनेंगे। देवता से पहले क्या बनना है? फरिश्ता। फरिश्ता कैसे बनेंगे? ब्राह्मण बनने के लिए कितने नियम धारण किए हम लोग, खाना पीना बाहर का बंद कर दिए, पवित्रता की धारणा कर लिए, है ना, रोज मुरली सुनने लगे, अमृत पैदा करने लगे, तो हम क्या बन गए? अब फरिश्ता बनने के लिए पूरा व्यर्थ मुक्त बनना, साधारणता मुक्त भी बनना पड़े तब पूरे फरिश्ता बने। व्यर्थ मुक्त और साधारणता मुक्त, तो पक्के फरिश्ता बनने का भी पुरुषार्थ करना है कि पक्का फरिश्ता। तो जैसे हम भोजन अशुद्ध नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वैसे व्यर्थ का मन का भोजन भी स्वीकार नहीं कर रहे। किसी भी इंद्रिय के द्वारा व्यर्थ का भोजन, निगेटिव की तो बात ही छोड़, व्यर्थ को भी स्वीकार नहीं कर रहे, तब जाके हम क्या बनेंगे? पूरे फरिश्ता। अभी तुम्हें फरिश्ता, अभी तुम फरिश्ते बन रहे हो, हम सब फरिश्ते बन रहे हैं। सूक्ष्मतन का भी राज बच्चों को समझाएं, यहाँ है टॉकी, सूक्ष्मतन में है मूवी, मूल वतन में है साइलेंस। सूक्ष्मतन है फरिश्तों का, जैसे घोष्ट को छाया का शरीर होता है, परछाई होती है ना, भूत का भी शरीर होता है लेकिन सूक्ष्म शरीर होता है उसका भी आकार। आत्मा को शरीर नहीं मिलता है तो भटकती रहती, उनको फिर घोष्ट कहा जाता है। उनको इन आंखों से भी, उनको बोध कहा जाता है, उनको इन आंखों से भी देख सकते हैं। आज बाबा कह रहे गोष्ट को भी इन आंखों से देख सकते हैं। यह फिर है सूक्ष्म वतन वासी, पर देखने की इच्छा मत रखना गोष्ट को देखने की इच्छा मत रखना। यह सब बातें बहुत समझने की है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इनका तुमको ज्ञान, चलते फिरते बुद्धि में ये सारा ज्ञान रहना चाहिए। हम असल मूल वतन के रहवासी हैं, अभी हम वहां जाएंगे वाया सूक्ष्म वतन। बाबा सूक्ष्म वतन इस समय ही रचते, पहले सूक्ष्म फिर स्थूल चाहिए, अभी यह है संगम युग। इनको ईश्वरीय युग कहेंगे और उनको दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम कहाँ अभी ईश्वरी युग में, ईश्वर की पालना में पड़ जाए, ईश्वरी युग में। कू दृष्टि जाती है फिर ऊंच पद पाना, कू दृष्टि जाती है तो ऊंच पद पाना। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया होना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना, घर में हो तो भूल नहीं जाना हम कौन है, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। सबको बाबा ने घर के अंदर बंद कर दिया, जैसे कोई एकांतवासी बनने के लिए। बाबा कहते तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो, तुम हंस ईश्वरी संतान हो, तुम्हारी किसी में भी आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे, अगर अंदर की रग जाती है तो कहेंगे मोह की बुंदरी है। आज बाबा कह रहे अगर आंतरिक रग भी जाती है तो मोह की बंदरी है, बंदरी नहीं बनना है, बंदर बंदरी नहीं बनना, क्या बनना है, क्या बनना है, देवता बनना। तुम्हारा धंधा ही है सबको पावन बनाना, तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले, कहाँ हो रावण की आसुरी संतान, कहाँ तुम ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए, तुम बच्चों को अपनी एक रस अवस्था बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए, जैसे कि देखते ही नहीं, यह अभ्यास करें। सब कुछ देखते हुए भी जैसे देखते नहीं, ये अभ्यास एक रस बनने के लिए करना है। माना अब किसी को देख रहे हैं, देखते हुए देखो बाबा की याद में होगी, किसी से बात कर रहा हूँ बाबा की याद में, ये ज्ञान की स्मृति अंदर में होगी। अगर ये अंदर का गुप्त अभ्यास है तो देखते हुए भी नहीं देखे, नहीं तो क्या करता है ये आंखें, क्या करती है, जो सीन देखती है सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करती है माइंड के अंदर। जिससे मिलोगे, जिससे बात करोगे, जिसको देखोगे, जो घटना देखोगे, वो सारा क्या करती है, वीडियो रिकॉर्डिंग सेव करती है। अगर बाबा की याद में देखने का अभ्यास करेंगे, बाबा की याद में रहकर बात करने का अभ्यास करेंगे, या ज्ञान के चिंतन में रहकर अभ्यास करेंगे,
या कम से कम आत्मानुमानी स्थिति में रहकर करने का अभ्यास करेंगे, तो भी ये जो फालतू की वीडियो रिकॉर्डिंग ओवरलोड हो रही ना दिमाग के अंदर, वो धीरे धीरे कम होने लगे। भूलना इजी होगा, फालतू बातें डिटैच होंगे, देखते हुए भी नहीं देखने का अभ्यास होगा हमारा। तो बाबा कहते हैं एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखते ही नहीं, ये अभ्यास करना, इसमें बुद्धि को एक रस रखना हिम्मत की बात, इसमें बुद्धि एक रस रहे। कि बाबा के सिवाय कहीं ना जाए अंदर ही अंदर, इसी में क्या है परफेक्ट होने में। सारी पढ़ाई अंदर की है, कितनी गहरी पढ़ाई है। बाबा कह रहे हैं परफेक्ट होने में पूरी मेहनत करती। अभी देर योग लगाने के लिए बैठे थे, बढ़िया योग में तो बाबा योग रहा, उसके बाद फिर नीचे आए, देह संबंध दुनिया मिले, फिर से ओवरलोड आ गया फालतू का वीडियो। जैसे आजकल नेट कनेक्शन है, नहीं चाहते वो भी चीज कई बार डाउनलोड हो जाती है, इसलिए क्या करते पहले से सेटिंग करके रखना पड़ता है, करना पड़ता है ना सेटिंग। अगर सेटिंग करके रखो कि कोई भी फालतू मैसेज ना आए, कोई भी फालतू कोई भी उसमें डाउनलोड ना हो जाए, तो वो फिर फालतू नहीं होता। नहीं तो वो कुछ भी मैसेज बीच बीच में आता रहता। ऐसे माइंड की भी सेटिंग करो कि बीच में कोई भी इधर उधर से कुछ सेव ना हो जाए माइंड में। तो संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए, अभी इनको क्या चाहिए इसके लिए टाइम। जब कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे। अब ये कर्मातीत एक दिन में तो नहीं बनेगी, जब ऐसी मेहनत अपने साथ करते रहेंगे निरंतर, तब फिर वो स्थिति एकदम ठहर जाएगी। हाँ, इसने हमेशा ऐसी मेहनत लगातार की है, तब हमारी कर्मातीत अवस्था बनेगी। तो बाबा कहते हैं तब तक कुछ ना कुछ खींच होती रहेगी, इसमें बिल्कुल उपराम होना पड़ता है। इसमें क्या चाहिए, बिल्कुल देखते हुए भी नहीं देखना, जैसे अनासक्त उपराम, इंटरेस्ट ना रहे कुछ भी अंदर सेव करने का, याद रखने का। याद क्या, कौन सी चीज याद रखी जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे वो नफरत वाली बात हो चाहे वो लगाव वाली बात। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं उपराम रहना है, लाइन क्लियर। अब तो अंतिम समय आ गया, बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था कि लाइन क्लियर होगी तो अंतिम तक की भी ठीक ले पाओगे एक सेकेंड। तो अभी से लाइन क्लियर रखने का अभ्यास बाबा के साथ करेंगे, तब तो अंत के समय जो कोई पेपर आएगा तो बाबा के साथ कनेक्ट होने से आंसर मिलेगा कि बच्चे इस टाइम पे ये कर। यहाँ तो ले सकते हैं हम बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन से, हम क्या कर सकते हैं अपने आंसर दे सकते और हल कर सकते हैं अपने पेपर। तो इसके लिए लाइन क्लियर चाहिए, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं, अभी भी देख रहे हैं, देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे। देख किसको रहे, अंदर अंदर में किसको देख रहे, वही दिखाई दे रहा है। अंदर से देखो बाबा दिखाई दे रहे। तो अभ्यास करो, देखते हुए जैसे तुम देखते ही नहीं हो, ऐसा अभ्यास जिसका होगा वही उनके पद पाएंगे। अभी अवस्था थोड़ी ही है, सन्यासी तो इन बातों को समझते भी नहीं है, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगती है। तुम जानते हो हम भी इस पुरानी दुनिया का संन्यास करते बैठे, बस हमको तो अब स्वीट साइलेंस होम में जाना है, और कोई की बुद्धि में नहीं है जितना तुम्हारी बुद्धि है। तुम ही जानते हो अब वापस जाना है। दुनिया वाले को समझ में नहीं आ रहा अभी इतना वायरल फैल रहा है उसके बाद भी, कि जाने की भी तैयारी अब करनी है। शिव भगवान वास भी है, वह पति पावन लिबरेटर गाइड है, कृष्ण कोई गाइड नहीं। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है, तुम पांडव की सेना है। अभी तुम देही अभिमानी बने हो, जानते हो अब वापस जाना है, यह पुराना शरीर छोड़ना है। सर्प का मिसाल, भ्रमरी का मिसाल, यह सब तुम्हारे इस समय के ही, तुम अभी प्रैक्टिकल में हो, वह तो यह धंधा कर ना सके। तुम जानते हो यह कब्रिस्तान है, अब फिर परिस्तान बनना है। तुम्हारे लिए सब दिन लकी है, बाबा कहते तुम्हारे लिए सब दिन क्या है, लकी है, भाग्य बनाने का एक रोज नया मौका, अमृत वेले से लेकर रात तक का, जितनी लॉटरी लेनी है ले लो बाबा से, बाबा से कितना जो ले। तुम बच्चे सदैव लकी हो,
गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं। गुरुवार सद गुरुवार यह रस्म चली आती, तुमको अभी वृक्षपति पढ़ाते। गुरुओं का गुरु कौन? वृक्षपति श्री बाबा। यह वृक्षपति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है, यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशाएं चलती हैं, अभी है बेहद की दशा। तो पूरी रीति मेहनत करनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण कोई एक तो नहीं है ना। बृहस्पति की दशा सदा बैठी रहे, इसलिए पढ़ाई करते रहो और योग करते रहो, दुआएं लेते रहो। उन्होंने की तो डिनाइस्टी होगी ना, जरूर बहुत राज्य करते हुए। लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चला चला है। ये बातें भी तुम्हारी बुद्धि में, तुम बच्चों को यह भी साक्षात्कार हुआ है कि कैसे राज तिलक देते हैं सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी को कैसे राज्य देते हैं। माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते सत्यु में। आज बाबा कह रहे माँ बाप बच्चे का पांव धोकर राज तिलक देते हैं और राज्य भाग्य देते। बच्चों का पैर धोके बैठाएंगे लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों को गद्दी पे। आज ये साक्षात्कार आदि सब ड्रामा में दूर है, इसमें तुम बच्चों को मूझने की दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, सुदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। शास्त्रों में सुदर्शन चक्र से कितनी हिंसाएं दिखाई है। अभी बाप तुम बच्चों को सच्ची गीता सुनाते, यह तो कंठ कर लेनी चाहिए। ये गीता क्या कर लेनी चाहिए? कंठ कर लेनी चाहिए। कितना सहज है। तुम्हारा नाम बाबा के, तुम्हारा सारा कनेक्शन है ही गीता के साथ। सोचो वो 18 अध्याय संस्कृत के श्लोक को कंठ कर लेते, और ये तो हमारा कितना सरल 7 दिन के कोर्स का ज्ञान है, रोज रिपीट करा रहा है बाबा। उसी को क्या करना है? पूरी रीति से अंदर कंठ कर लेना, धारण कर लेना। तो बाबा कहते हैं गीता में ज्ञान भी है तो योग भी है। तुमको भी एक ही किताब बनाना चाहिए, योग का किताब अलग क्यों बनाना चाहिए? परंतु आजकल योग का बहुत नामाचार है, इसलिए नाम रखते हैं ताकि मनुष्य आकर समझे। इतनी सारी किताबें लिटरेचर में की, आखिर यह भी समझेंगे कि योग एक बात से लगाना है, जो सुनेंगे वह फिर अपने धर्म में आकर ऊंच पर पाएंगे। अगर दूसरे धर्म की आत्मा भी सुनती है तो बाबा कहते अपने धर्म में ऊंच पद पाएगी। अच्छा मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम पदम शुक्रिया, जो आपने हमें अपना बना लिया, आप समान बना लिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला अपने ऊपर आप ही रहम करना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है, अपनी दृष्टि बहुत अच्छी पवित्र रखनी है। ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए, ईश्वर ने मनुष्य से देवता बनाने के लिए एडॉप्ट किया है इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए, इसलिए पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। दूसरा संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहने का अभ्यास करना है,
करम उपराम रहने का अभ्यास करना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है, इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। इसी अभ्यास से अवस्था एक रस बनानी है, इसी अभ्यास से अवस्था एक रस फिर वरदान है। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले, श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र हो। श्रेष्ठ पालना की विधि द्वारा वृद्धि करने वाले सर्व की बधाइयों के पात्र हैं। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। संगम युग बधाइयों से ही वृद्धि पाने का युग है। बाप की परिवार की बधाइयों से ही, बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो, बाप की परिवार की बधाइयों से ही आप बच्चे पल रहे हो। बधाइयों से ही नाचते गाते, बधाइयों से ही नाचते गाते पलते उठते जा रहे हो, नाचते गाते पलते उठते जा रहे हो। यह पालना भी वंडरफुल, यह पालना भी वंडरफुल। तो आप बच्चे भी बड़ी दिल से रहम की भावना से, रहम की भावना से दाता बनकर, रहम की भावना से दाता बनकर हर घड़ी एक दो को, दाता बनकर हर एक को हर घड़ी एक दो को बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो, बहुत अच्छा कह बधाइयाँ देते रहो। यही पालना की श्रेष्ठ विधि, यही पालना की श्रेष्ठ विधि। इस विधि से सर्व की पालना करते रहो, इस विधि से सर्व की पालना करते रहो तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे, तो बधाइयों के पात्र बन जाएंगे। स्लोगन है, अपना सरल स्वभाव बना लेना, अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। अपना सरल स्वभाव बना लेना यही समाधान स्वरूप बनने की सहज विधि है। मातृश्वरी के अनमोल महावाक्य,
आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति माँ ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की महावाक्य का टाइटल है आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प भक्ति माँ ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। दिन क्या है? सत्युग युग, रात क्या है? द्वापर कलयुग। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारे की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पावे। यह है बेचैन दुनिया और वह है चैन की दुनिया। बाबा कहते हैं यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है, मुक्ति में ना है चैन ना है बेचैन। मुक्ति धाम में ना है चैन और ना है बेचैन। तो क्या है वहां पर? केवल शांति। चैन का अनुभव भी कब करती? शरीर में तब आत्मा चैन का अनुभव कर रही, शरीर में तभी बेचैन होने का अनुभव कर रही। तो बाबा कहते हैं सत्य कहता है चैन की दुनिया, जिस सुख धाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहां कोई अपत पवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए, कर्म बंधन से मुक्त हो, शुद्ध संस्कार लेकर जाते हैं। रम धाम में भी कोई अपवित्र आत्मा नहीं जा सकती। डंडे खाए, सजा खा के, कर्म बंधन से मुक्त होके, वो भी शुद्ध संस्कार होकर ही वापस जा सकती। अब जबरदस्ती करवाएगा बाबा उन लोगों को पावन नहीं बनने वालों को। हम पहले से पावन बन रहे तो हमको खुशी है। तो बाबा भी कहते हैं क्योंकि वहां ना अशुद्ध संस्कार होते ना पाप होता है। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिमान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे। हम क्या कर रहे हैं? अभी सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्ति लेकर विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज सद्गुरुवार है, बाबा को भोग भी लगेगा। आप लोग कम से कम बाबा के साथ सुख पतन में चलना, हलवा भोग बना है। बाबा को पहले भोग लगवाना और फिर बाबा से वही खा लेना आज। ठीक है, सारे एक बार फिर से मीठे बच्चे, जैसे तुम आत्माओं को यह शरीर रूपी सिंहासन मिला है, ऐसे बाप भी दादा के सिंहासन पर विराजमान, उन्हें अपना सिंहासन नहीं है। प्रश्न, जिन बच्चों को ईश्वरी संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा कहते उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरी संतान कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, उनकी कुदृष्टि कभी नहीं हो सकती। जब ब्रह्मा कुमार कुमारी अर्थात बहन भाई बने तो गंदी दृष्टि जा नहीं सकती। और गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। आज का 5 शब्द पहला है सिंहासन, आत्मा का सिंहासन अभी शरीर में है ना, और बाबा का सिंहासन अभी दादा के तरफ। दूसरा है ईश्वरी संतान। ईश्वरी संतान की निशानी क्या है? सच्चा लव एक बाप से होगा और लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तीसरा है अपने पर रहम, अपने पर रहम करना, आप ही रहम करना। अपने ऊपर रहम करना है। और चौथा है बधाइयों के पात्र। क्या बनना है? बधाइयों के पात्र बनना है। दूसरे को भी कहो अच्छा, इतना भी किया अच्छा किया, आगे और हो जाए, और कर लिया और अच्छा हो जाए। तो सबको क्या बोलो? अच्छा, अच्छा नहीं बोला, अच्छा, थोड़ा थोड़ा भी करो अच्छा। तो साथ करते करते पालना देते देते क्या करो? अच्छा करते। पांचवा है सरल स्वभाव।
कैसा स्वभाव बनाना है? सरल स्वभाव। सरल स्वभाव माना कोई भी बात पकड़ना, कोई डाल भी देखो ऐसे डाल दो बस डाल दो क्या हो गया, इतना तो हो ही सकते हैं ऐसे सरल। किसी के साथ कोई बात होगी कोई बात नहीं चलो वापस भूल जाओ, सरल स्वभाव उसको बाबा कहते तो समाधान स्वरूप बनेंगे। ठीक है, नहीं बोलेंगे तो झगड़ा करते रहेंगे। पहला है सिंहासन, दूसरा है ईश्वरी संतान, तीसरा है अपने पर रहम, और चौथा है बधाइयों के पात्र, और पांचवा है सरल स्वभाव। पहले बाबा भोग लगाते हैं, अब आप लोग से लेट हो जाएगा। इसका 44 मिनट का बस है कॉन्फ्रेंसिंग का शायद, नहीं अभी चल रहा है। बाबा ने जो कहा उसको घर में बैठ के मनन करना, एक टॉपिक निकालो आज मैं अपने ऊपर रहम कैसे करूं, कौन कौन सी कमी कमजोरी रही भी है जो मेरे को विनाश से पहले खत्म करनी है, जरा भी फीलिंग में जरा भी संकल्प में चेक करो चेंज करो चेक करो चेंज करो, रियलाइज करते जाओ चेंज करते जाओ। ठीक है, पता बस है हमको अपना लेकिन रियलाइजेशन नहीं है, रियलाइजेशन होगा तो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, जब तक भोग आ रहा है तब तक मुरली की पॉइंट रिपीट करो। उत्तम बहन बोलो, हाँ गोविंद भैया, गोविंद भैया बोलो, क्या बोलो बाबा ने? हाँ संग दोस्त से संभाल करना है। सूरज भाई आवाज नहीं आ रही लोगों को, सूरज भाई पॉइंट बताओ। हाँ चेक करना है अपने आप को, और अब बढ़िया एकांतवास मिला है, अभी घर के अंदर गुफा में बैठा दिया है, सोचो तपस्या करो, अब अंदर की भी गुफा में जाके अच्छे से तपस्या करनी है अपनी बैठ के, है ना संतोष भाई? देखते हुए भी ये अभ्यास आज खास अंडरलाइन कर लो, देखते हुए नहीं देखना, कोई भी काम कर रहे हो बात कर रहे हो मिल रहे हो जुड़ रहे हो आपस में घर के अंदर बेबी, देखते हुए नहीं देखना। ठीक है, मैंने देखो मैं जो चीज देखा वो मेरे को याद थोड़ी आ रही है अंदर, थोड़ी देर बाद भी याद नहीं आनी चाहिए, अगर याद आ रही डिलीट करो उसको, वीडियो सेव कर लिया माइंड उसको तुरंत क्या करो, मन को बोलो डिलीट, नहीं सेव करके रखना। ठीक है, और विनोद भाई हमारे लिए सब दिन क्या है लकी है, और